Hi everyone. Are you spending quality time with your kids and family? I'm Zikesh and today we will talk about quality time. So keep watching. वेलकम बैक जी. क्वालिटी टाइम क्या होता है और कैसे स्पेंड करते हैं, आज इस हवाले से हम कुछ बात करेंगे. क्वालिटी टाइम वो होता है जो आप अपने बच्चों के साथ या अपने पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी आप वन ऑन वन स्पेंड करते हो विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. प्योरली आप अपना टाइम किसी को देते हो, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम. अपने हमारे बच्चों को आजकल हमारे क्वालिटी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हम बिल्कुल उनको नहीं दे पाते या बहुत कम देते हैं, या हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स देते भी हों. सो दैट्स वेरी गुड, अगर आप देते हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन वो लोग जो नहीं देते उनको इस बारे में सोचना चाहिए बहुत सीरियसली. आपके बच्चों को आपके क्वालिटी टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे अच्छा गिफ्ट जो आप अपने बच्चों को दे सकते हो वो आपका टाइम है. हमारे बच्चों को हमारे टाइम की ज़रूरत होती है, हमारे बच्चों को चीज़ों की, गिफ्ट्स की, खिलौनों की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी उनको हमारे टाइम की ज़रूरत है. क्वालिटी टाइम हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, बहुत आसान है. कुछ भी नहीं करना है आपको, जस्ट अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना है, उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखना है. जस्ट आप लाइक आप कुकिंग कर रहे हो, आप उसमें बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हो. कुछ भी आप उनको सिखा सकते हो, आप उनको बता सकते हो कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, या छोटे छोटे टास्क आप उनको दे सकते हो. अगर आप टेबल लगा रहे हो डिनर के लिए तो आप उनको उनकी हेल्प ले सकते हो, आप उनको कह सकते हो कि प्लेट्स लगाओ और टेबल सेट करो. तो इस तरह के छोटे छोटे टास्क उनको दें, उनके साथ उनको अपने साथ इन्वॉल्व रखें. उनके गेम्स में आप इन्वॉल्व रहिए, उनके साथ जब वो खेल रहे हो तो आप उनके साथ खेलें, उनके टॉयज के साथ उनके साथ खेलें. तो इस अगर आप ऐसा करते हैं तो इट मीन्स यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद योर किड. लेकिन एक बात ज़रूर अपने माइंड में रखिए कि जब भी आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं, आप बच्चे के साथ कुछ भी पज़ल बना रहे हैं, स्क्रैबल खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो आपकी फुल अटेंशन, फुल फोकस आपका बच्चे पे होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि टीवी चल रहा है साथ में, आप टीवी देख रहे हो, आपका मैच चल रहा है, आप न्यूज़ सुन रहे हो, तो साथ साथ आपका ध्यान उधर भी है और जरा बच्चों के साथ खेल रहे हो, उसको कह रहे हो एक मिनट आप इस तरह से कर रहे हो, या आप मोबाइल पर लगे हुए हो, या आप कोई ज़रूरी कोई मैसेज कर रहे हो या किसी से बात कर रहे हो और साथ में बच्चे के साथ खेल रहे हो. ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल भी, इसको क्वालिटी टाइम हम नहीं कहेंगे. आपको अपना फुल टाइम वन ऑन वन विदाउट एनी इंटरप्शन बच्चे को देना है, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम. इसी तरह से रोड ट्रिप पे आप जा सकते हैं बच्चों के साथ. रोड ट्रिप का ये मतलब नहीं है कि आप कोई बहुत दूर किसी जगह पे जाएं, कहीं बाहर जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं. आप कहीं भी जा सकते हो, अपने करीब किसी पार्क में पिकनिक के लिए, आउटिंग के लिए जा सकते हो. उसमें भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो बच्चों के साथ. जब आप वहाँ पे जाके खाओगे, पियोगे, खेलोगे, उनके साथ इन्जॉय करोगे तो बहुत मज़ा आएगा, बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हो जाएगा. और इसी तरह से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप ड्राइव पे होते हो बच्चों के साथ, तो उनके साथ डिस्कस ज़रूर करें. रास्ते में कुछ भी है, लाइक उनके साथ ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, उनको डिस्कस करें, उनको सारा बताएं कि क्या होता है, कैसे होता है. इसी तरह से ट्रैफिक रूल्स के बारे में उनको बताएं, रोड सेफ्टी के बारे में बताएं, वो डिस्कस करें, उनसे क्वेश्चंस करें, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे. अपना नॉलेज ज़रूर शेयर करें बच्चों के साथ. आप उस टाइम को भी इस तरह से क्वालिटी टाइम बना सकते हैं. कुछ भी रास्ते में अगर प्लांट, छोटे बच्चे हैं, प्लांट्स हैं, आप उनको बताएं कि लिविंग थिंग्स हैं, हमें इनकी किस तरह से केयर करनी चाहिए और किस तरह से ये ग्रो करते हैं, ये सब भी आप डिस्कस कर सकते हो. इसी तरह से कोई एनिमल नज़र आ जाता है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डिस्कस विद योर किड्स एट दैट टाइम. और इसी तरह से अगर आपके बच्चे छोटे हैं, जो भी नया लाइक रीडिंग सीख रहे हैं, उनकी अभी रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उनको साइन बोर्ड्स पढ़ने के लिए कह सकते हो. वो बच्चा जब उसको फोनिक्स के साथ और स्पेलिंग्स के साथ करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा उसके. इसी तरह से टेंट मेकिंग बच्चों की बड़ी फेवरेट गेम होती है, वो उनके साथ बनाइए. टेंट मार्केट में भी मिल जाते हैं बहुत प्यारे प्यारे. अगर नहीं है आपके पास तो कोई मसला नहीं है, आप घर पे खुद से टेंट बना सकते हो किसी शीट के साथ या ब्लैंकेट के साथ. आप बच्चे के साथ मिलकर टेंट बनाएं और उसमें उनके साथ इन्वॉल्व होकर खेलें. इस दौरान में आप अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखें या स्विच ऑफ कर दें ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, और बच्चे के साथ आप फुल इन्वॉल्व होकर खेलें. वो बहुत इन्जॉय करेगा, आप देखिएगा वो कितना उसको. ऑल्दो कि वो खुद भी अकेले अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं इस तरह से, लेकिन जब वो आपके साथ जो चीज़ खेलेंगे उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर कई दिनों तक रहेगा और वो उस टाइम को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. इसी तरह से स्टोरी टेलिंग सेशंस भी आप बच्चों के साथ कर सकते हैं. डेली उनको स्टोरी सुनाएं, कोई भी
आप खुद से भी बना सकते हैं, स्टोरी खुद बनाएं या कोई भी स्टोरी उनको सुनाएं, लेकिन उनको उसके अंदर इन्वॉल्व करें, उनसे क्वेश्चंस करें छोटे छोटे के अब क्या होगा, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अगर इसका एंड क्या होगा, अगर आप इसके राइटर होते तो आप इसके एंड में क्या करते, आप इसका इस करेक्टर को किस तरह से शो करते। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन उनको उनसे ज़रूर करें ताकि उनकी थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली सिचुएशन भी हो और वो इन्वॉल्व होकर आपकी स्टोरी सुने। बातें करें बच्चों से, डिस्कस करें हर चीज़ उनसे, डिस्कस करें, पुरानी बातें याद करें, जब हम वहाँ गए थे तो ये हुआ था, हमने ऐसे किया था, कितना मज़ा आया था, वो किया था हमने, अब उस पार्टी में हमने ये किया था। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। बस आपने यू हैव टू स्पेंड योर टाइम वेल विद योर किड्स। कुछ भी आप बच्चों के टाइम साथ इन्वॉल्व होकर टाइम स्पेंड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी टाइम। बातें करें बच्चों के साथ, डिस्कशंस करें उनके साथ, हर बार डिस्कस करें, बच्चों को भी इतना कॉन्फिडेंस दें कि वो आपसे अपनी हर बात कर सके, उनको किसी भी तरह का कोई भी किसी किस्म का खौफ ना हो, आपसे हर बार डिस्कस करें, आपसे डरे नहीं इतना ज़्यादा कि अपनी बातें छुपाने लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि बच्चा आपको हर बात बताए, इतना उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपको भी अपने बच्चे पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका बच्चा आपको हर बात बताए, कुछ भी आपसे ना छुपाए, सब कुछ शेयर करे। और ये सब तभी होगा जब आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और क्वालिटी टाइम कैसे होगा, व्हेन यू विल गिव योर टाइम प्योरली टू योर किड्स। सो प्लीज़ अपने बच्चों को अपना टाइम दें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अपना बॉन्ड जो है उसको स्ट्रॉन्ग करें, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इफ़ यू फाइंड एनी वैल्यूएबल कॉन्टेंट इन दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।